मेरा ये मानना है कि आप 15 साल के बेटा पी वैल्यू करके बैठे, अगर 15 ईयर्स के अगर आप पी वैल्यू करके बैठेंगे बच्चों तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ट्राई करो कि हर क्वेश्चन आपसे बने, नहीं तो आप उसको देखें अच्छे तरीके से बेटा, सोल्यूशन करें, और बारी बारी बच्चा आप हर चैप्टर की कम से कम दो दो बार प्रीवियस क्वेश्चन आपके करे होने चाहिए। आप किसी बुकलेट के पीछे भागते हैं, किसी बुक के पीछे भागते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। आपने टॉपिक पढ़ा कहीं से, पढ़ते बेटा टॉपिक आप मुझसे पढ़ा कहीं से, पढ़ा टॉपिक पढ़ लिया आपने, गो फॉर पी वाई क्यूज टॉपिक पढ़ने के बाद, क्लास का क्वेश्चन करने के बाद, और ये काम आप 6 महीने 7 महीने 1 साल करोगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यस, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एक हमारे एक सीरीज चल रही है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसका पहला चैप्टर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं रिगार्डिंग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एटॉमिक के करने वाले हैं। नंबरिंग क्या रहेगी, नंबरिंग हमारी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लास्ट क्वेश्चन था 29th नंबर पे, तो आज हमारा जो क्वेश्चन बेटा स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 30th नंबर से। क्लियर है, तो आप सबके स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है आप सब अच्छे तरीके चीजों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तरीका वही रहेगा। आपको बताया था मैंने कि मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, आपको उसका सोल्यूशन ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन को देखना है, समझना है। क्लियर बच्चों, चलिए तो पैटर्न ये रहेगा, अभी जो आगे की वीडियोज में आने वाली है टॉपिक वाइज, तो नंबरिंग आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी बच्चों, ताकि वो 1000-2000 क्वेश्चन जो हम करवाने वाले हैं वो एक नंबरिंग आपके पास बन के चली जाएगी। ठीक है, और टॉप के पर टॉपिक सारे पी वैक्यूज करने का फायदा क्या होता है बच्चों, कि आपके पास 15 से 20 साल का सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, जो आपने खुद देखा होगा, उनका सोल्यूशन सुना होगा, अच्छे से उनको डील किया होगा, तो दैट इज सफिशियंट फॉर योर नीट एग्जाम। क्लियर है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 30 नंबर इन द सीरीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा बेटा आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। किसी भी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ताजो की बात है भाई, हमेशा हमसे पूछते हैं कि भाई किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे। अब सवाल पूछा गया है कि सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाए जा सकते हैं, और फॉर्मुलेबाजी कुछ कर रखी है। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ सर, सबशेल के अंदर जाके पाया जाता है अपने पास ऑर्बिटल्स, आप बोलोगे जी सर, और ऑर्बिटल्स के अंदर ही अपने पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप सब जानते हैं कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन एकोमोडेट। हर एक ऑर्बिटल के अंदर बेचा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इजी बात है। तो सर मुझे बताओ किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो कैसे पता करते हैं। सर सबशेल का आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, तो किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, उनका फॉर्मूला, जी हां सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिसको आप अक्सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट भी करते हो, फॉर्मूला निकल के सर आ जाता है अपने पास 2 times L+1, और जितने एल की वैल्यू होगी आपको उस एल की वैल्यू से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेंगे। व्हाट इज एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जितनी वैल्यूज ml की होती हैं वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सबशेल के अंदर। तो सर किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 into L+1 पाए जाएंगे, और हर एक ऑर्बिटल के अंदर आपके पास रहते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, या इन दिस सबशेल क्या हो जाएगा। सर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो होंगे 2 into L+1, और हर एक ऑर्बिटल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आ जाएगा 2 times number of orbitals plus 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज वैल्यू कितनी आ रही है, सो इट इज 4 times L+2, 4 into L+2 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सवाल था कि भाई अगर सबशेल दिया है तो सबशेल से कैसे निकालो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते, मैंने सबशेल से नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा ऑर्बिटल से, हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है पहले वो निकालने पड़ेंगे, उसके थ्रू आंसर निकल के आ जाएगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सवाल पढ़िए, नॉट परमिसिबल, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन गलत है, परमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है बेसिकली, फॉर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इन एटम, किसी भी एटम के अंदर कौन कौन से क्वांटम नंबर्स का सेट पॉसिबल है या नहीं है, यह सवाल पूछा गया आपसे। मैं सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे पता करेंगे सर, भाई कंसेप्ट अगर हम लगाएं तो आप जानते हैं कि अपने पास 4 क्वांटम नंबर हैं, एस स्पिन के लिए 2 हो सकती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, कोई भी हो सकती है, ये 3 एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एन पता है तो एल कैसे निकालेंगे, सर एल की वैल्यू 0 से चलती है, 0 to n-1,
m की वैल्यू क्या जाएगी सर, माइनस l से जाएगी प्लस l तक इंक्लूडिंग जीरो, माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग जीरो, और s आपको बताए थे मैंने। अब आइए अगर n 3 है तो क्या l 2 पॉसिबल है, मैंने कहा पॉसिबल है, m माइनस 2 पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है सर, मुझे चाहिए कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट परमिसिबल। सेकंड ऑप्शन n अगर 4 है, l 0 है, अगर l 0 है तो m भी 0 होना चाहिए, स्पिन कोई भी चलेगी, अच्छी बात है सर। n अगर 5 है तो l 3 है, m 0 है, स्पिन चल जाएगा, ये भी सही है सर, तीनों ही सही है, मतलब गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है, आंसर क्या ऑप्शन डी है, बट आंसर तो आ गया लेकिन लॉजिक कैसे है सर, n 3 है, l 2 है, m क्या माइनस 3 कैसे कर दिया आपने सर, अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चा, सर माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, अब ये 3 कहां से लेके आ गए, गलत है सर ये तो, जो गलत है वो मेरा आंसर है, इट इज नॉट परमिसिबल नॉट अलाउड, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक न्यूमेरिकल है फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ, सवाल देखिए ध्यान से आप, उम्मीद आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, अ 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, भाई एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं, स्पीड गिवन है, वेवलेंथ पूछी गई है, टिपिकल सवाल है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला सर, फॉर्मूला अप्लाइड पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाइड सर, फॉर्मूला तो हमको पता है सर, इट इज लैम्डा बराबर एच बाय एम वी, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विज द वेलोसिटी, मास किलोग्राम में है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हाँ सर ये भी मीटर में है ये भी किलोग्राम में, बढ़िया गिवन है सर, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.6 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड, मास शुड बी इन किलोग्राम 0.66 किलोग्राम, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी वैल्यूज गिवन है, आई थिंक आप कौन सा नजर आ गया होगा, ये 6.6 है ये 0.66 है तो इसको 6.6 बना लो, कैसे बनाएंगे सर, यहां से एक 10 को यहां लेके आ जाओ बन जाएगा ये, तो ऊपर क्या, ऊपर तो जो है वो है सर, नीचे क्या आ जाएगा 6.6, एक अंडा बचेगा ये कैंसिल, ये क्या आएगा 10 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 34 और एक माइनस 35, ऑप्शन बी, गर्मी बहुत है यार यस आपको पसीने आने चाहिए, मुझे पसीने आ रहे बिकॉज गर्मी ज्यादा है, आपको पसीने क्यों आएंगे पता नहीं मुझे, क्वेश्चन देख के नहीं, दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, गर्मी से आएंगे आपको भी जाहिर सी बात है। ठीक है बच्चों, पर हर सवाल आपको कम से कम दो तीन बार करना है मुझे, पी वाई के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन नंबरिंग, हाँ 1 2 3, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, फोर्थ एनर्जी लेवल गिवन है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये सवाल पूछा गया, बड़ा आसान सवाल है, तो मैंने कहा भाई फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब एन विल बी फोर, ऑर्बिट फोर्थ गिवन है, फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, मैंने कहा फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होगा 2n² और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × n², बिकॉज आप जानते हैं कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2n² इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड n² इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फॉर्मूला अगर पता है तो सवाल उसी टाइम खत्म हो जाएगा, अगर सवाल नहीं फॉर्मूला नहीं पता तो आप वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, क्वांटम नंबर से अब निकाल के दिखा दूंगा मैं आपको, ये हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n 4 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा दैट इज 16, आंसर आ गया 16। अब बेसिक पे आ जाइए, किसी बच्चों को नहीं पता सर फॉर्मूला वगैरह, भूल चुके हैं मान लीजिए एग्जाम के अंदर, क्या करेगा वो भाई, अगर n पता है कि 4 है तो l की वैल्यू बताओ, सबशेल्स कितने होंगे, सबशेल्स हो जाएगा अपने पास 0 1 2 3, यही होंगे, l माने वी हैव s सबशेल, 1 माने p सबशेल, 2 माने d सबशेल, 3 माने f सबशेल, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एंड प्यारे प्यारे एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 3 10 5 15 और 1 16, तो 16 ऑर्बिटल्स टोटल हैं, वही 16 आपके पास यहां पे आ रहा था इस फॉर्मूले से, क्लियर है, तो कैसे भी निकाल लीजिए, अगर बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, चीजें स्मूथली आप कर लोगे। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर 25 eV एंड 50 eV रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ दैट इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल बी, तो बेटा एनर्जी गिवन है रेडिएशंस, यहां से पकड़ो सवाल को, रेडिएशंस का मतलब है कि सवाल आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, इट इज नॉट फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ,
बहुत सारे बच्चे इस सवाल को डी ब्रोगली से निकालते हैं कि सर लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई या ई। बेटा यहां कहां लिखा हुआ है कि इट इज फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, सिंपल वेवलेंथ है और एक आपने एनर्जी को पुटअप किया है, यानी कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि क्वांटा एक फोटोन एक एनर्जी लाइट की आई है हैविंग सम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और आपसे उसके बारे में कंपैरिजन पूछा गया है। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो मेंशन करेगा सवाल के अंदर, ठीक है। सिंपल रेडिएशन का सवाल है तो ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, एनर्जी बराबर एच न्यू दैट इज एच सी बाय लैम्डा। अब एनर्जी गिवन है लैम्डा आपसे पूछा गया है तो ठीक है, ई वन बाय ई टू क्या हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। सो ई वन ई टू कितना है सर, ई वन 25 है, ई टू 50 है और यहां बराबरी करेंगे तो सर यहां आ जाएगा अपने पास लैम्डा टू बाय लैम्डा वन, तो यहां आ जाएगा सर अपने पास 1/2। सो लैम्डा वन इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा टू, यह अपने पास फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आसान सवाल है, जो टफ मत बनाइएगा डी ब्रोगली के अंदर घुस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप, 35th क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, इफ एन बराबर 6, आपको पास एन की वैल्यू दी है, एन बराबर 6 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करने का सीक्वेंस क्या होगा आपसे, इसके बारे में जानकारी पूछी गई है। तो इनका बड़ा आसान तरीका होता है वैसे तो, एनएस एनपी एन माइनस 1डी एन माइनस 2एफ, इसको हम सिखाते भी हैं, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ये वाली बात हम सिखाते हैं क्लासेस के अंदर कि दिस इज द रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनएस एनपी एन माइनस 1डी एन माइनस 2एफ बिकॉज ऑफ ऑफबो एनर्जी प्रिंसिपल। तो ऑफबो के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से हम इसको अरेंज करते हैं। तो यही पूछा गया आपसे कि सीक्वेंस क्या रहेगा, तो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहला भरा जाएगा, देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब एन गिवन आपके पास 6, अब मैं ऑर्डर तो मुझे पता है ये वाला ऑर्डर होता है, अब मैं उस एन को गुड पुट कर देता हूं ताकि मेरे पास एक वैल्यूज आ जाए, देन मैं एन प्लस एल रूल से एनर्जी कंपेयर कर लूंगा। तो सर यहां 6 ऐसा आ जाएगा, सर 6p आ जाएगा, सर 5d आ जाएगा एंड सर यहां पे 4f, हां 4f आता है बिल्कुल, लेंथनॉइड्स के लिए आता है। अब मुझे बताओ 6x 6p 5d 4f में से एनर्जी क्या रहेगा, एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा। तो सर आपने कहा था कि एन प्लस एल निकाल लेंगे, इसमें कितना आएगा 6, इसमें 7, इसमें 7 और 4 3 7 n प्लस एल। अभी रूल क्या कहता है, जिसका n प्लस एल छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो मैंने कहा 6s का n प्लस एल की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो 6s की एनर्जी कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाती है, जो कि आ गई है, तो फिर क्या चेक करेंगे सर, क्या उनकी एनर्जी बराबर नहीं, फिर हम चेक करेंगे n। अगर तो n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई तो जिसका n छोटा है ना उसकी एनर्जी कम मानेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। सर तीनों का n प्लस एल बराबर है, अब किसका n छोटा है, सर 4f का n छोटा है, तो जिसका n छोटा रहेगा बच्चा, जिसकी n की वैल्यू छोटी रहेगी बच्चा, उसकी एनर्जी भी हम कम लेके उसको पहले फिल करेंगे। तो यहां 4f पहले फिल किया जाएगा, देन n छोटा है 5 तो 5d फिल किया जाएगा, देन सबसे बड़ा n 6 वाला है 6p के लिए, देन 6p फिल किया जाएगा बच्चा। तो ये फिलिंग ऑर्डर रहेगा आपके पास इस प्रकार से। तो इस बात को अब यहां पे लिख लीजिए आप, तो ns भरा जाएगा, उसके बाद ns के बाद क्या भरा जाएगा सर, ns के बाद n माइनस 2f भरा जाएगा बिकॉज n बराबर 6 कर दिया आपने, उसके बाद d माने n माइनस 1d भरा जाएगा सर, उसके बाद आपके पास np। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस तरीके से आपके पास सॉल्व करना रहेगा। लास्ट में एनपी आना चाहिए, दो ऑप्शन में एनपी है तो ये आंसर नहीं होंगे, नहीं होंगे सर। सबसे पहले ns आएगा बिल्कुल सर, फिर n माइनस 2f आएगा, n माइनस 2f n माइनस 1d बिल्कुल ऑप्शन ही आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको रट्टा मार के बैठा है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन चेंज कर देगा, वो इस n की वैल्यू को चेंज कर देगा और ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसने स्पेसिफिकली n दिया है वन, अदरवाइज तो दिस इज द जनरल ऑर्डर, दिस इज द जनरल कॉन्फिगरेशन, अगर आप n दे दोगे एन के हिसाब से चीजें स्पेसिफिक हो जाएंगी, तो फिर आपको एन प्लस एल के हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36th, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द एच एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चे, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए आप ट्रांजिशन करते हो 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से किस ट्रांजिशन के अंदर
लीस्ट एनर्जेटिक या लीस्ट एनर्जी गैप होगा। तो मैंने कहा अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है तो कुछ इस प्रकार से हम उसमें एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, याद है कुछ, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, इस प्रकार से आप बनाते हैं। सो ये n बराबर 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। H एटम बोला है तो H एटम मान के चल लेते हैं, और H एटम के लिए किसी भी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, फॉर्मूला याद है, याद है फॉर्मूला सर, एनर्जी हो जाएगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्लियर है, ईवी में निकालो जूल में निकालो क्या फर्क पड़ता है। तो सर Z मुझे पता है, H एटम है तो Z1 हो जाएगा सर, और N को वैल्यू पुट कर करके मैं हर लेवल की एनर्जी निकाल लूंगा। पहले वाली एनर्जी कितनी आएगी, माइनस 13.6 आएगी सर, दूसरी कितनी आएगी, माइनस 13.6 बटा 4 माइनस 3.4 आएगी सर, 3.4 आएगी सर, तीसरी कितनी आएगी, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 9 तो सर माइनस 1.51 आएगी सर, चौथी कितनी आएगी सर, 13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 1 से कम हो जाएगा, कितना आएगा सर, n बराबर 4 के लिए इस लेवल के लिए सर वैल्यू आएगी माइनस 0.85। ये चारों वैल्यूज मैं बच्चों क्लास के अंदर याद करवाता हूं, पहले चार वैल्यूज, पांचवी याद क्यों नहीं करवाते, पहले चार कम से कम याद कर लो, सवाल बन जाएगा, बाकी दिमाग लाएंगे ना, अभी दिमाग लाओगे। हाँ मुझे बताओ पहले और सेकेंड के बीच एनर्जी गैप ज्यादा है, हाँ सर 10.2 एनर्जी गैप, यहां एनर्जी गैप कम हो गया सर, यह एनर्जी गैप और कम हो गया सर, यानी कि सब्सिक्वेंट लेवल में जाते हुए एनर्जी गैप, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। जो एनर्जी गैप 1 से 2 के बीच है उससे कम एनर्जी गैप है 2 से 3 के बीच, उससे भी कम है 3 से 4 के बीच, एंड सो ऑन। अब सवाल पढ़िए आप, अगर आपकी वाली बात, ये वाली पिक्चर क्लियर है जो नोट्स में होती है, अभी सवाल पढ़िए आप। वो कहते हैं किस एनर्जी गैप में आप जाओगे तो आपको लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी मिलेगी, लोवेस्ट एनर्जी गैप की बात कर रहा है बच्चा, सवाल को पढ़ो अच्छे तरीके से, लोवेस्ट एनर्जी गैप किसके लिए पॉसिबल है, मतलब किस ट्रांजिशन में एनर्जी गैप लोवेस्ट रहेगा तभी तो फोटोन की एनर्जी मतलब डेल्टा ई मिनिमम हो जाएगी। तो सर अगर मैं 1 से उठूंगा तो सर 1 से कहीं भी जाऊंगा गैप बहुत ज्यादा होगा सर, बिकॉज 1 के बहुत दूर जाके 2 आएगा, तो 1 से 3 बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा सर। तो सर 1 को तो मत लो सर, 1 से 6 मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा गैप है सर, ये तो हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी सर। 3 से 5 यहां है सर, 5 कहीं ऊपर होगा, गैप होगा सर। 4 से 5 बताओ, तो मुझे बताओ सर 4 से 5 में गैप ज्यादा रहेगा या 3 से 5 में गैप ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है सर 3 से 5 गैप ज्यादा है। अब 4 से 5 या 6 से 5 आप बताओ, एग्जाम के अंदर कैलकुलेट नहीं करना है, लॉजिक से निकालना है कि सर 4 से 5 एनर्जी गैप है और 5 के बाद 6 एनर्जी गैप है, तो मुझे बताओ 4 से 5 वाला गैप की एनर्जी कम रहेगी, गैप ज्यादा रहेगा, या 5 से 6 वाला गैप ज्यादा रहेगा। सर ऊपर जाते हुए आप देख पा रहे हो कि एनर्जी गैप कम होते जा रहे हैं, तो 1 से 2 ज्यादा था, 2 से 3 कम हुआ, 3 से 4 और कम हुआ, 4 से 5 और कम हुआ, 5 से 6 और कम हो गया, यानी कि सब्सिक्वेंट एनर्जी गैप कम हो रहे हैं, लीस्ट विल बी 5 to 6 और यू कैन से 6 to 5, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद एल बराबर 3 एंड एन बराबर 4 इज, उसने बता दिया है कि ये सबशेल है, एन भी मेंशन कर दिया और आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब ये सवाल सेम है जो हमने पहला सवाल किया था इस वीडियो के अंदर, कि भाई अगर एन 4 है और एन 4 है तो एल के वैल्यू आप जानते हैं बहुत सारी पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, पर वो कह रहा है आपको सिर्फ 3 उठाना है और यहां से 4 तो ही, मैंने कहा 3 का मतलब हो जाएगा एफ सबशेल, और एफ सबशेल में अपने पास निकल के आ जाते हैं 7 ऑर्बिटल्स, और आप कहेंगे सर हर एक ऑर्बिटल्स में आपके पास चले जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं एफ सबशेल में, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी आपको बस। क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम एटम इज, रूबिडियम एटम कहां आता है, उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल जो उसमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन गया है उसका क्वांटम नंबर्स के बारे में क्या जानकारी आपके पास है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पहली बात तो टेबल याद होना चाहिए आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इसने बात की रूबिडियम की, ठीक है सर, व्हाट इज
एटॉमिक नंबर 37, ठीक है सर। सोडियम जानते हो? हाँ सर, आउटर मोस्ट क्या होता है? 3s1। पोटेशियम 4s1, तो इसका क्या हो जाएगा? 5s1। तो इसका आउटर मोस्ट शेल इज फिफ्थ शेल, 5s1 आएगा। पूरा नहीं पता मुझे ना, पूरा पता करना है, स्मार्टनेस लगानी है भैया। ग्रुप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली एन चेंज हो जाएगा। 5s1 इज द आउटर मोस्ट, यू कैन से इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल। तो 5s1 है, क्या बोला आपने सर? आपने बोला 5s1 है, तो मैंने कहा एन तो आपने खुद ही बता दिया 5 है, एस है तो L0 हो जाएगा, L0 है तो MB0 है, और स्पिन तो आपकी इच्छा से आप निकाल लो, प्लस हाफ या माइनस हाफ। अब बताओ सर, 500 5116 कहां से आ गया? बड़ा ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन बच्चों, आजकल ऐसे सवाल आते नहीं है वाले सवाल, पहले सवाल आया करते थे, उम्मीद ऐसे सवाल दोबारा आ जाएंगे, इस सवाल की बात कर रहा हूं मैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, बेटा जब हम पढ़ाते हैं क्वांटम नंबर तो एक फॉर्मुला हम लिखवाते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इन द सब्सिडरी क्वांटम नंबर जब पढ़ाते हैं ना एल के बारे में, तो एक फॉर्मुला लिखवाते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, वो एच बाई टू पाई ब्रैकेट के बाहर है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। एल इज ऑब्वियसली सबशेल, सबशेल कौन सा आपके पास? उसने बोला है सर पी सबशेल की बात की है, तो पी के लिए आप जानते हैं एल की वैल्यू वन होके आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? कर सकते हैं बच्चों की तरह, बताऊं बच्चों की तरह कि इस टू का मतलब क्या हो, रूट टू इंटू रूट टू कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, इतना पता है अपने को, नहीं पता तुम्हें कुछ भी? नहीं सर, ये तो पता था, इतना तो पता है सर, देखो ऐसी बात भी नहीं है, मेडिकल के हैं तो क्या हुआ सर, इतना तो पता ही है ना सर, तो बताओ आंसर क्या रहेगा। सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने कहा किया कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एस ऑर्बिटल इज इट इज जीरो, एस में जीरो हो जाएगा, डी में कुछ और वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है? ये फॉर्मूला अगर पता है तो सवाल बन जाता आपको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों, कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 40th क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मच, विच वैल्यू क्लोज टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम नंबर विद लाइट फ्रीक्वेंसी दिस, विच वैल्यू इज क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम नंबर विद लाइट फ्रीक्वेंसी दिस मच। भाई आपको लाइट की स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वेवलेंथ पूछी गई आपसे कि वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालिए और कौन सी वैल्यू इसके आसपास आ जाएगी ऑप्शन के थ्रू इस फ्रीक्वेंसी के होते हुए। तो न्यू क्या होता है सर? न्यू इज सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है सर दैट इज 6 इंटू व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 × 10⁻¹⁷ गिवन है नैनोमीटर के फॉर्म में, अच्छी बात है पर सेकंड, और यहां वेवलेंथ अपने आप आ जाएगा सर, पर सेकंड कैंसिल, सो इट इज हाउ मच 1/2 × 10⁻²⁶ आएगा, सॉरी ऑप्शन डी। इससे आसान सवाल तो क्या आपको मिल सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चा, नीट यूजी का सवाल है, बेस्ड ऑन इक्वेशन दिस मच, ये एनर्जी की इक्वेशन गिवन है 2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर वेन स्क्वायर जूल के अंदर, सर्टेन कंक्लूजंस आर रिटन व्हिच इज नॉट करेक्ट, अगेन पूछा गया कौन सी बात गलत है, सही नहीं गलत ढूंढना आपको।
फॉर एन बराबर वन, ठीक है, फर्स्ट शेल के लिए कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर एन बराबर सिक्स. एन बराबर वन में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है बजाय एन बराबर सिक्स की. मैंने कहा ठीक बात है, बिकॉज एन बराबर वन है एच एटम के लिए, तो एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 आएगी. एन बराबर सिक्स है तो एनर्जी बहुत कम आएगी, पॉइंट के अंदर आ जाएगी, मान लो 0.4 आ जाएगी मान लीजिए. तो एक -13.6, एक -0.4, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, फर्स्ट शेल के लिए ज्यादा वैल्यू आएगी. यहां तक तो बात ठीक है, इट इज मोर नेगेटिव, ठीक है. आगे क्या बोलते हैं, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट. ये वाली बात गलत है और यही हमारा आंसर है. सर अभी तो आप कहते सही है, यहां तक वाली बात सही थी, इसने आगे क्या बोला, ये सवाल पूछ रहा आपसे क्यों नेगेटिव जो साइन है वो क्या दिखाते हैं. सर -13.6 फर्स्ट शेल की एनर्जी है एच एटम के लिए, वो क्या दिखा रहे हैं. सर वो दिखा रहे हैं अट्रैक्शन, वो दिखा रहे हैं सर अपने पास अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन. भैया पहले शेल पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, इट इज टाइटली बाउंड. शेल दूर हो जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो जो एन बराबर सिक्स है, जो दूर है, उस पर अट्रैक्शन कम होगा तो वह इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहेगा, और जो पास है फर्स्ट शेल है वो टाइटली बाउंड रहेगा. क्लियर है. सो नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. बेसिकली नेगेटिव का मतलब है कितना ज्यादा अट्रैक्शन है, समझे. तो -13.6 मतलब ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है बेसिकली. तो ये वाली बात तो गलत है सर, स्मॉलेस्ट में, बल्कि लूजली बाउंड कहां होना चाहिए, एन बराबर छह में होना चाहिए. ये कह रहा है एन बराबर वन में हो जाएगा, तो जो गलत है वो हमारा आंसर है. बाकी सारी बातें सही होंगी, पढ़ भी नहीं सके बाकी सारी बात को चाहो तो आप. द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड कर रखे है बच्चों वो लोअर है किससे, इफ इलेक्ट्रॉन्स वर एट द इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इनफिनिट डिस्टेंस पे है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और अभी एनर्जी कितनी आ रही थी, -13.6 आ रही थी, तो -13.6 इज लोअर देन जीरो. तो नेगेटिव साइन अट्रैक्शन दिखाता है, क्लियर है. बाकी बातें आप निकाल लोगे यार. नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन बराबर 3, एल बराबर 1, एम बराबर 9. बड़ा आसान सवाल है, आपको एन एल एम पता है और आपसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. कि एन बराबर 3 है तो सर मतलब एफ सब शेल है, उसमें एल सॉरी एन, अगर एल बराबर 1 है तो इसका मतलब सर अपने पास पी सब शेल है. पी में भी सर उसने एम को बता दिया, पी में सर एल 1 हो जाएगा, तो एम के वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चा, -1 0 +1. तो अपने पास तीन ऑर्बिटल्स आने वाले हैं, एक -1 एक 0 एक +1. वो कह रहा है -1 वाले ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये पूछा गया. क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन्स किसके मैक्सिमम. तो मैंने कहा आप तो सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हो और सिंगल ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़िए. अरे बोलो क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया क्या, ये सवाल सेम है, बिल्कुल सेम सवाल है, इसका जवाब आप दीजिएगा, एकदम सेम सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ 45 नैनोमीटर. एनर्जी पूछिए, वेवलेंथ आपको दे रखी है, बड़ा आसान सवाल है. लगाइए फॉर्मूला लैम्डा, एनर्जी बराबर एच सी बाय लैम्डा. बहुत आसान सवाल है. तो लैम्डा वेवलेंथ आपको निकालनी है, वेवलेंथ गिवन है 45 नैनोमीटर, आपसे एनर्जी जूल के अंदर पूछे गए हैं. तो एनर्जी निकालो ईवी के अंदर, फिर जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखा दूंगा अभी मैं. पहले तो बेसिक से कर लो. लैम्डा कितना हो जाएगा, 45 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10^-9 मीटर. सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा जूल में आ जाएगा. या तो ऐसे निकाल लीजिए एनर्जी 1240 लैम्डा इन नैनोमीटर, लैम्डा किसमें, लैम्डा यहां पे पुट करेंगे नैनोमीटर के अंदर हमेशा, और आंसर आएगा ईवी के अंदर, ये आंसर आएगा ईवी के अंदर. यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं चाहो तो, यहां से भी आपका आंसर आ सकता है अगर चाहो तो. 45 × 1240 थोड़ा ट्राई कीजिए. 5 × 9 = 5, 2 = 10, 2 = 4. तो ठीक है, कितना आएगा सर, अप्रोक्स करते हैं,
27 के आसपास, राउंड अबाउट 27-28 के आसपास, लगभग 27 ईवी। अब आप जानते हैं एक ईवी कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो 27 × 1.6 कर लीजिए आप, 27 × 1.6 कर लीजिए आप, लगभग अप्रोक्स मार रहा हूं, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल को यहां कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.32, 19 से 18 हो जाएगा जूल। सर आपने ये वाला मेथड कहां से लेके आ गया, आप सिखाते हैं बच्चों को, आपने भी सीखा होगा, बिकॉज यहां कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और ये थोड़ी सी टफ कैलकुलेशंस हैं, तो हम क्या करते हैं आंसर को ईवी में निकाल लेते हैं और फिर ईवी से जूल में कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट से। तो देखो ये जूल आएगा आपके पास 4 point something 10^-18, देखो ध्यान से, अदरवाइज थोड़ा सा यहां से आपको टाइम ज्यादा लग जाता, तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45th, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोहर मैग्नेट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट अपने पास गिवन है 2.83 बोहर मैग्नेटोन, तो क्या देखते हैं, जो डेसिमल से पहले नंबर है बेटा वही क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 point something वैल्यू है इसका, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हैं। अब निकालो किस आयन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सर। टाइटेनियम +3, टाइटेनियम क्या होता है सर, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, Ti +3 करना है सर, +3 करेंगे, s में से दो गए, d में से एक गया, तो एक बचा, इसमें तो एक अनपेड है सर, मुझे दो अनपेड चाहिए। निकल +2 क्या हो जाएगा, d8 हो जाएगा, Mn +2 क्या हो जाएगा, d5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं, इसमें 5 अनपेड हो जाएंगे। d8 देख लीजिए आप, d8 देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दो अनपेड हैं, या वी हैव टू अनपेड, अपने पास दो अनपेड हैं, अपने पास दो अनपेड हो जाएंगे, अपने पास दो अनपेड हो जाएंगे किसके अंदर, निकल +2 के अंदर, इजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। बड़ा आसान सवाल है बच्चा और बड़ा ही अच्छा सवाल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कितने हैं और कौन से हैं, कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों और आइसो स्ट्रक्चरल आपसे पूछा गया अपने पास। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, मतलब सेम शेप, शेप या स्ट्रक्चर की बात करते, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर की बात करते, शेप की बात करते। क्लोरेट कार्बोनेट सल्फाइट नाइट्रेट, क्लोरेट सल्फाइट कार्बोनेट सल्फाइट, तो पहले तो सर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं ना, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा वहां से, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, Cl(O3-) CO3(2-) NO3, यही है चारों, नहीं घुमाए जा रहे हैं। देखो आप एक बात देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन सबके पास तीन तीन है, उसको तो काउंट करो मत, और चार्ज भी मैनेज हो जाएगा उसके हिसाब से, चार्ज का भी कोई इश्यू नहीं है अपने पास, ठीक है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आप सर, क्लोरीन के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा, यहां से निकाल लोगे क्लोरीन, कार्बन का निकालो, सल्फर का निकालो, नाइट्रोजन का निकालो, आराम से निकालो आप, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में निकालो तो भी काम चल जाएगा सर। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें अपने पास कार्बन 14 का एलिमेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीजन 3, 3, 3, 3, अब चार्ज की बात कर लेते हैं, तो अगर चार्ज की बात करेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम आप बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बनेगा क्लोरेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक लोन पर आ जाएगा,
व्हाट इज कार्बोनेट? सर इसको तो हम जानते हैं, कार्बोनेट को तो हम जानते हैं सर, ये टेट्राहेड्रल डायग्राम हो जाएगा, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर डायग्राम। सल्फाइड बनाइए, सल्फाइड बनाइए, एक दो तीन चार और यहां से पांच छह, क्योंकि सल्फर के पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स में से एक दो तीन चार चार खर्च हो गए तो दो बचे, एक लोन पर आ जाएगा। नाइट्रेट आयन ये भी ठीक है सर, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, देखो ध्यान से आप, NO3 माइनस है तो इसको भी आप चाहो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए इस प्रकार से, एक दो तीन चार और यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज, दिस इज नाइट्रेट आयन। अब डायग्राम बताओ किसका पहले बराबर है और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे अपन। सर ये तो बिल्कुल अलग थलग है, इस ये और ये बराबर लग रहा है सर मुझे, एक एक लोन पेयर है सर और तीन बॉन्ड है, सिस्टम बराबर है सर, और सर मुझे कार्बोनेट और नाइट्रेट बराबर लग रहे हैं आपस में, तो कार्बोनेट और नाइट्रेट मुझे सर बराबर लग रहे हैं, ट्राइगोनल sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये अपने आप पर बराबर है, तो ये दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चरल है और ये दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चरल है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ना, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरली मैच नहीं करता सर, स्ट्रक्चर ही मैच नहीं कर रहा, इनका मैच कर रहा स्ट्रक्चर, हाँ मैच कर रहा है, इनका मैच कर रहा आपस में नहीं सर, इनका मैच कर रहा आपस में नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर सिर्फ इनका मैच कर रहा है, और स्ट्रक्चर मैच करेगा तब तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बराबर है कि नहीं, बिकॉज उसने दोनों बात पूछे गए हैं, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होने चाहिए, आइसो स्ट्रक्चर भी होने चाहिए, तो मैंने कहा स्ट्रक्चर तो निकाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से काउंट हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं क्या बराबर है। सर एक क्लोरीन है एक सल्फर है, क्लोरीन के पास हैं सात इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास हैं छह इलेक्ट्रॉन्स, पर रुको यहां चार्ज माइनस वन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, आठ हो गए, यहां चार्ज माइनस टू है तो छह प्लस दो एक्स्ट्रा आएंगे तब भी आठ हो गए, बिकॉज तीन ऑप्शन तो बराबर दोनों के पास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब ये सवाल कुछ कुछ केमिकल बॉन्डिंग से जस्ट जाता है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी गिवन है, अपने पास पता होना चाहोगे बेटा, ठीक है। 47th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ आयन, बड़ा आसान सवाल है कि Fe2+ आयन का व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा 3d6, खत्म क्वेश्चन। अब मुझसे पूछा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें बराबर नहीं है, अच्छा तो मैंने कहा तो निकाल लिया मैंने, इसमें 3d6 आएगा बेटा कॉन्फिग्रेशन, पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन के बेटा पी इलेक्ट्रॉन्स पांच होते हैं तो यहां तो छह इलेक्ट्रॉन्स है सर, किसमें बराबर नहीं पूछा गया तो आंसर ये होना चाहिए। एफ ई में डी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, छह होते हैं, 3d6 4s2, इधर भी 3d6 आ रहे हैं बिल्कुल, एस चला गया तो बराबर आ गया यहां तो। नियोन में पी इलेक्ट्रॉन्स, नियोन नोबल गैस है, पी में छह आएंगे बराबर हो जाएगा। एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में जो एस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो दो होते हैं, अब ये नहीं बताया कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, पूरा निकालना पड़ेगा, यही डाउट आता है एग्जाम में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये होता है मैग्नीशियम। यहां आप गलती क्या करोगे, आप इसको काउंट कर लोगे, तो दो ही तो हैं, उसने कौन सा s बोला है सर, s बोला उसने तो, आउटर मोस्ट की बात नहीं की, उसने s बोला है बस कि मैग्नीशियम में s इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो चार छह, चार और दो छह, जो कि इसके बराबर है, ये भी नहीं होगा, समझ गए हो, वन ऑप्शन डी में फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84, ये अभी किया था ना, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कर लोगे जी सर, इसलिए क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं बच्चों। आगे देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, डी ऑर्बिटल के अंदर व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, ऑर्बिटल मोमेंटम बोल लीजिए या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल लीजिए, फॉर्मूला अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई बाहर, किसमें डी ऑर्बिटल के लिए बच्चों, अगर डी ऑर्बिटल है तो डी का मतलब है एल विल बी टू, अंडर रूट टू इंटू टू प्लस वन एच बाय टू पाई, रूट सिक्स एच बाय टू पाई,
कोई ऑप्शन है इस प्रकार से, रूट सिक्स ए का कर दिया भाई एच बाई टू पाई, ठीक कर लीजिएगा ऑब्वियसली बेटा उसको, मैंने ऑप्शन को ठीक कर दिया, आगे एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ था वो हटा दीजिएगा इसको। सर ये एच कट क्या लिखा हुआ है, एच कट ये एच क्रॉस, एच बाई टू पाई को ही एच क्रॉस कहते हैं। तो चाहो तो आप अपने आंसर को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में, रूट सिक्स एच कट एच बाई टू पाई, कोई इशू नहीं है। इसलिए हर ऑप्शन को चेक कर लीजिए एक बार, मैंने तो इस ऑप्शन को ठीक करके सही बना दिया, मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है, बट आपको चेक करना है कि ऑप्शन बी वाला या ए वाला मैच ना कर जाएगा यहां से, बिकॉज वो एच की वैल्यू पुट कर देगा, एच कट के फॉर्म में पुट कर देगा वैल्यू को। तो एग्जाम में क्या करना है, आपको ऑप्शन को पूरा चेक करना है, यानी कि जो आपका आंसर आया बस वही होना चाहिए, नहीं बेटा वो आपके आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वाली बात है बच्चा, ठीक है। 50th, विच इज द करेक्ट, वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन एटम ऑफ द टाइटेनियम। आपसे एनर्जी बेटा पूछी गई ऑर्बिटल्स किसके अंदर, टाइटेनियम के अंदर। तो वट इज टाइटेनियम, 3D, 4S, यही आएगा सर आउटर मोस्ट, 3D, 4S, 4P इस प्रकार से। तो आपसे पूछे एनर्जी बताइए, मैंने कहा 3S तो पहले आ चुका है यार, उसको आप कहां लेके बैठे हो, 3S, 3P और 4S, 3D। तो मैंने कहा अगर ले लो 3S भी ले लो, पहले तो 3S, 3P, 4S, 4P, 3D। तो आपसे पूछे एनर्जी बताइए, मैंने कहा ठीक है यार, अब तुम्हें अपने फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तो आंसर फिर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चा। सो 3S इंक्रीजिंग पूछा, 3S, 3P, 4S, 3D, डन, इंक्रीजिंग पूछा गया था। 51st पूछा है, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, नीट के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही डब्बे के अंदर बैठे हुए, बॉक्स बना रखा भाई, बॉक्स में डाल दो, कैसे अलग करोगे भाई, NB सेम है, LB सेम है, MB सेम है, क्या डिफरेंट है, स्पिन डिफरेंट है सर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, वन हैज टू बी डिफरेंट एटलीस्ट, दैट इज स्पिन, ऑप्शन डी। 52nd बच्चों, अगेन नीट का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो भाई डी के अंदर अपने पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स। आप जानते हैं डी में पांच होते हैं ऑर्बिटल्स, हाँ सर, कौन कौन से, DXY, DXZ और DYZ, और सर एक सेट निकल के आता है DX²-Y²-DZ²। इसमें क्या होता है बच्चा, तीनों का सेम शेप होता है, एंड जो अपने पास डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लोब्स दे आर बिटवीन द एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो इनको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है बच्चा, इनका शेप सिमिलर होता है, they are on the axis orbitals like this at an angle of 0 degree from the axis, axis ke upar bante hain bachcho ye, to inki density axis ke along lobes mein aap is prakar se check kar sakte hain, so pucha hai density along the axis, to aapka answer ho jayega Z² and X²Y², theek hai, do set bante hain। next question, bahut hi behtareen sawal, teen sawal same paper ke andar bachcho, dekho dhyan se aap, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n=3, l=1। बहुत ही प्यारा सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल है, वो कह रहे कि n=3 में कोई ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा ऑर्बिटल कोई भी हो, किसी भी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सर वो तो पी का ऑर्बिटल है, बेटा ऑर्बिटल पी का हो या डी का हो, ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसने सबशेल की बात नहीं की, उसने ऑर्बिटल की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट 54th, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई डेल्टा टी एच बाय 4 पाई,
सर टाइम वाली बात कहां से आ गई अपने पास? देखो ध्यान से आप, डेल्टा एक्स डेल्टा पी पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं कि साइमल्टेनियसली आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ विद एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते। दोबारा बोलता हूं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप किसी माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन को, उसकी पोजीशन क्या, लोकेशन क्या है, एंड उसकी मोमेंटम को एक साथ विद एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। दैट एरर इज डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। बहुत सही बात है। बट जो ये प्रिंसिपल है इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इसको एक और फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम एक्सिस। क्या आप एक साथ एनर्जी और टाइम को भी विद एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है। और ये भी एक तरीके से हमारा प्रिंसिपल है, कौन सा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हालांकि गिवन नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन जनरली पढ़ाया जाता है। बट हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि भाई बहुत इजी से पढ़ के जाएंगे तो उतना इजी बेटा पढ़ना, पढ़ तो आप सब कुछ लो लेकिन ट्राई करो कि आपसे पी वाई के सवाल बन जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेसिक पैरामीटर है नीट एग्जाम के लिए कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन बनने चाहिए। अभी सवाल आ रखा है तो क्लास में इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें इसके बारे में बतानी होती है अपने को कि टाइम पीरियड कितना होता है, एनर्जी की वैल्यू बात कहाँ से आती है, लेकिन ठीक है। सो टाइमिंग आप मान लीजिए कि ऐसा है, यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। तो जो बात हम मोमेंटम और पोजिशन के लिए करते हैं सेम बात हम एनर्जी और टाइम के लिए भी करते हैं। तो रॉन्ग है नहीं सर, ये तो ट्रू है सर, हमसे पूछा गलत कौन सा है, गलत वाले को सही बताना है अपने को। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ मोर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, सिमेट्री की फिलिंग होती है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है अपने पास। सही बात है, मुझे नहीं चाहिए। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ एच लाइक एटम। एच लाइक एटम मतलब अगर एच लाइक एटम है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे हम हमेशा बोहर थ्योरी लगाएंगे। मैं गया बोहर के पास, मैंने कहा बोहर 2s और 2p की एनर्जी बताओ बराबर है कि ज्यादा है कम है, कहता बराबर है, n बराबर है ना, मैंने कहा l भी, तो कहता कौन सा l, मैं तो बोहर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, उसमें तो l होता ही नहीं है, मैं तो सिर्फ n चेक करता है, n बराबर एनर्जी बराबर। पर ये बात कब करेंगे, ये बात जब करेंगे तब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात हो रही होगी जो कि यहाँ हो रही है, दैट इज एच लाइक एटम। तो इट इज, ये भी ट्रू है सर, मुझे नहीं चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, डी ब्रॉडली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, वेयर एम इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास ट्रू स्टेटमेंट हो क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपको स्टेटमेंट को चेक करना रहेगा कि कौन सी वाली बात गलत है, कौन सी वाली बात सही है बच्चा, ठीक है। पूछा क्या आपसे, अच्छा रॉन्ग पूछा गया ना, अरे अरे तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, यही तो रॉन्ग है, कर हाँ रॉन्ग बच्चा, रॉन्ग मतलब हमारा सही आंसर है, पूछा इसने, उसने बोला लेस, लेस नहीं बच्चा, बराबर रहेगी ना, बराबर रहेगी, एच एटम स्पीशीज रहेगा, ये एच लाइक रहेगा, तो आपको सिर्फ बोर थ्योरी लगानी है हमेशा, ठीक है। तो लेस की जगह आएगा बराबर, वो नहीं लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चा, विच वन इज अ रॉन्ग, अगेन पूछा गलत कौन सा है, इसमें क्या क्या करो बच्चों, लिख लिया करो, ये सही है मतलब है, बिल्कुल सी करेक्ट है, रॉन्ग है करेक्ट है, ताकि आपको वापस जब क्वेश्चन में जाओ मार्किंग करो तो डाउट ना आए, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू जीरो, बेटा देखो वापस पूछा है, ऑर्बिटल मोमेंटम पूछा है एस ऑर्बिटल का, वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट, एल जीरो है सर तो वैल्यू जीरो हो जाएगी सर, तो जीरो है, हाँ जीरो है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट है। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय फोर क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल को आप तीन क्वांटम नंबर से दर्शा सकते हो बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको चारों नंबर एक साथ चाहिए, कोई स्पिन भी बतानी पड़ती है, ठीक लग रहा है सर, देखते हैं बाकी। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, इस नाइट्रोजन एटम का कॉन्फिगरेशन गिवन है, देख लेता हूं, 1s2 2s2 2p3, बट ये ऊपर ऊपर नीचे कैसे कर दिया आपने, सिंगल सिंगल भरा हुआ अच्छी बात लेकिन स्पिन सेम होनी चाहिए ना, सिंगल फिल करते वक्त, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
होम्स रूल ऑफ मैक्सिम मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब आएगी, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब आएगी, जब स्पिन जब भरोगे वन टाइम भरोगे तो स्पिन सेम रहेगी, तो हाफ 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 क्या हो जाएगी स्पिन 3/2 हो जाएगी। एंड व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी, 2 × s+1, इट विल बी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये नहीं कि सिर्फ भरना भरने के लिए है, नहीं बेटा, हम भर रहे हैं ताकि उस तरीके से भरने से, सिंगली भरने से विद द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो सके, इसलिए हुंड्स रूल नहीं होता, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है। अब ठीक है, वो आप पढ़ते होगे डिटेल में, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। तो ये वाली बात तो सर गलत है, जो गलत है वो मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, ये भी करेक्ट था, ये रॉन्ग है, जो रॉन्ग है मेरा वो आंसर है। द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर, हाँ बेटा, पी जेड और डी जेड स्क्वायर में एम की वैल्यू जीरो होती है, बाकी किसी के लिए पी एक्स डी एक्स वाई बाकी किसी के लिए वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। अगर पूछा जाए पी जेड की वैल्यू जीरो है और डी जेड स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट है। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रॉन्ग ऑप्शन सी। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत सारी बातें पूछ ली आपसे, बहुत सारी बातें पूछ ली। 56th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। विजिबल में कौन आता है, बाल्मर आएगा सर। बाल्मर में क्या कंप्लीट बाल्मर, क्या कंप्लीट बाल्मर विजिबल में आता, नहीं सर, बाल्मर की पहली चार लाइन्स विजिबल में, बाकी तो यूवी में आती हैं। क्या बोला आपने, पहली चार लाइन्स विजिबल में बाल्मर की, कंप्लीट बाल्मर विजिबल में नहीं है। पहली चार लाइन मतलब 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ये पहली चार लाइन्स बाल्मर की विजिबल में, रेस्ट दे आर इन यूवी। ठीक, चलिए बाकी तो आप जानते हैं। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स, मैंने कहा बेटा एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, एल कितना है, 3 है। अगर एल 3 है मतलब एफ ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एंगुलर नोड इज एल और वो 3 है मतलब एफ ऑर्बिटल के लिए। इन एच एटम द डी ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल है बोहर ऑर्बिट और डी ब्रोगली का मिलाते हुए सवाल, इस पे कंसेप्ट क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनेगा। सो डी ब्रोगली क्या होता है, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, एंड से अपने पास बोहर ऑर्बिट की बात करें तो फॉर्मूला बन जाता है अपने पास एम वी आर बराबर एन एच बाय 2π, एम वी आर बराबर एन एच बाय 2π। दो चीज की बात करता हूं यहां पर अपन, ठीक है, पहली बात करते हैं अपने पास लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, सेकेंड बात बच्चों हम करते हैं एम वी आर बराबर एन एच बाय 2π। क्लियर है यहां तक, बताइए। अब देखो ध्यान से आप, अब ये डी ब्रोगली है, ये बोहर है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा। कैसे करेंगे, इस एम वी की जगह पे यहां से वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr, 2πr बराबर एन एच बाय एम वी। तो यहां से 1/mv की वैल्यू क्या होगी, 2πr/nh, सो लैम्डा बराबर h, इट इज 2πr/nh। तो पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, h इंटू 2πr/nh, सो यहां से क्या आ गया, 2πr/nλ। ये आपको याद ही होना चाहिए वैसे तो, कि डी ब्रोगली और वेवलेंथ और बोहर को एक साथ मिला के फॉर्मूला बनता है 2πr/nλ, यानी कि जितना सर्कमफ्रेंस होता है ऑर्बिट का वो नंबर ऑफ वेव्स के हिसाब से निकालते हैं, कि 2 वेव 3 वेव कितने वेव बच्चा। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, आपसे पूछा किसके लिए, सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए, तो एन विल बी 2। सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए पूछा तो पूछो अपने पास एन विल बी 2, तो 2πr/2λ, 2πr, आर क्या हो जाएगा 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम बराबर 2λ। मुझसे पूछा है पिकोमीटर के अंदर, तो पिकोमीटर के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 52.9 n²/z पिकोमीटर बराबर 2λ। तो यहां से कैंसल, n विल बी 2, अगर n 2 है तो 52.9 × 4
एच एटम एज एड विल बी वन पाई बराबर लैम्डा इतना पिकोमीटर, तो 53 के आसपास हो गया, 53 इंटू लगभग 4 के आसपास हो जाएगा अपने पास, तो 211.6 पिकोमीटर नहीं, पाई भी साथ में आएगा, पाई गायब कर दिया आप लोगों ने, पाई रहेगा ना बेटा, पाई तो है 2πr, बिकॉज पाई के वैल्यू हमने पुट नहीं किए, तो पाई के फॉर्म में आंसर को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 211.6 पाई पिकोमीटर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 59th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ल्यूटेशियम, बेटा कौन सा एटम है ल्यूटेशियम गिवन है, एलिमेंट 71 एटॉमिक नंबर 175 मास नंबर, ल्यूटेशियम जो कि एफ ब्लॉक का लेंथनोइड एलिमेंट अपने पास लास्ट लेंथनोइड एलिमेंट है, उसके बारे में पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, इससे आसान सवाल तो शायद नहीं हो सकता सर, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चा, प्रोटॉन 71 एंड 175 माइनस 71 करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इज 3s ऑर्बिटल r, 3s के अंदर कितने एंगुलर और रेडियल नोड होंगे, 3s के अंदर, 3s मैंने कहा एंगुलर नोड अभी देखा भी था, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, सॉरी l, सर s के लिए l जीरो होता है तो नोड भी जीरो हो जाएगा सर, रेडियल नोड का फॉर्मूला बताइए सर, n माइनस l माइनस 1, n इज 3, l इज 0 माइनस 1, तो रेडियल दो हैं एंगुलर जीरो हैं, 0 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है डन, प्यारे प्यारे सवाल है, मजा आ रहा है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर्मूलेबाजी होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन टफ वैसे भी नहीं आ रहे आज के टाइम पे, आप बेसिक अच्छा करो और हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मुझसे हो जाएंगे सवाल, तो सवाल हो जाएगा बच्चा आपसे। 61st, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज, बड़ा आसान सवाल है यार, तो फ्रीक्वेंसी का होता है सी बाय लैम्डा, आपसे लैम्डा पूछा है, सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी कितनी है पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी है, किलो हर्ट्स, तो 1368 किलो मतलब 10^3 हर्ट्स, हर्ट्स इज पर सेकेंड, ये आंसर आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइव मीटर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर बड़े ही प्यार से आ जाएगा, ठीक है कुछ है ही नहीं। 62 बचा, द वर्क फंक्शन, सवाल आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एनर्जी दी गई है फोटोन ने उसमें से कुछ खर्चा आएगा वर्क फंक्शन में और बचा कुचा काइनेटिक एनर्जी होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो भी एनर्जी दी है उसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दैट इज वर्क फंक्शन, और अगर कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा दी गई होगी तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन कितना है, 4 eV है। टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी, ओके वो कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, तो जो भी वर्क फंक्शन है वो ही गिवन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ क्या रहेगी ऑफ द, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए अपने पास ताकि एनर्जी 4 eV आ जाए, ये सवाल है, बिकॉज 4 eV ही तो वर्क फंक्शन है और मुझे वर्क फंक्शन के बराबर ही एनर्जी देनी है, उस एनर्जी के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला को दिखाया था मैंने, 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, इसी एनर्जी ईवी में आती है, इसी एनर्जी ईवी में आती है इस फॉर्मूले से, लैम्डा नैनोमीटर में था, अगर लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में कर देंगे तो 1240 की जगह 1200 हो जाएगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम ईवी, ये शॉर्टकट फॉर्मूले बड़े काम में आते हैं, बिकॉज एक नैनोमीटर क्या होता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर बड़ा होता है एंगस्ट्रॉम के मुकाबले, चूंकि ईवी में गिवन है तो मैं सीधा एनर्जी की जगह 4 eV पुट कर सकता हूं और मेरा ऑटोमेटिक आंसर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो 4 eV चाहिए मुझे बराबर एनर्जी, तो लैम्डा कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 12400 बाय 4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन देखो कितना दूर दूर ऑप्शन है, आराम से निकाल लीजिए आप। ठीक
ठीक है, अदरवाइज आप उसको फिर कन्वर्ट करते रहते, टाइम खराब होता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन बच्चों, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, ये 22 में कई क्वेश्चन आ रखे हैं, यस 22 में चार पांच क्वेश्चन आ रखे हैं बच्चों, 2022 की बात कर रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू, हीलियम प्लस आयन होगा, जाहिर सी बात है। तो बेटा हीलियम प्लस आयन यानी कि हीलियम प्लस आयन की बात कर रहा है, जेड विल बी टू, उसमें सेकेंड बोहर ऑर्बिट एन बराबर टू की बात कर रहा है, वर्सेस लिथियम प्लस टू आयन जेड विल बी थ्री, थर्ड बोहर ऑर्बिट एन विल बी थ्री, उसकी वैल्यू इतनी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने कहा इसकी वैल्यू देखी रखी है आपने, इसकी जरूरत ही नहीं है, बिना उसके आंसर आ जाएगा, सीधा निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पिकोमीटर के अंदर पूछा है 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर, खत्म क्वेश्चन, एन इज थ्री इसका स्क्वायर 9, जेड इज 3, डेढ़ सौ के आसपास आएगी पिकोमीटर में, 15.58 एंगस्ट्रॉम नहीं पिकोमीटर, ठीक है हो जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, देन नेक्स्ट। अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर टू ऑफ पावर दिस मच, पावर गिवन है बच्चा 1 मिलीवॉट, एमिट फोटोन विथ वेवलेंथ दिस मच, टाइम भी गिवन है 0.1 सेकेंड, 1000 मीटर इन दिस सेकेंड, ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 0.1 सेकेंड इज, इतने टाइम में कितने फोटोन्स एमिट हो जाएंगे, ये वाली बात पूछी गई है आपसे। सो मैंने बोला भाई एनर्जी क्या होती है, पावर बराबर पावर इंटू टाइम होता है, एनर्जी निकाल लीजिए, पावर कितना है 10^-3 मिली वॉट, दैट इज पावर आ गया, टाइम कितना है 0.1, 10^-4 जूल एनर्जी आ चुकी है, वेवलेंथ मुझे पता है, तो फोटोन्स तो आ ही जाएंगे सर, एनर्जी क्या होता है एन एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी मुझे पता है और चूंकि मुझे वेवलेंथ पता है तो ये वाली एनर्जी भी आ जाएगी, दिस इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, ये सिंगल फोटोन की एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, ठीक है। तो बस एनर्जी इज 10^-4, बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10^8 वेवलेंथ आप पुट कर देंगे, एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा ईयर के हिसाब से, बाकी सवाल में कुछ बचा नहीं है, ठीक है चलिए नेक्स्ट एक बार देखिए आप ध्यान से। 65th क्वेश्चन बच्चों, When EMR of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal, electrons are emitted with a kinetic energy of this much. What is the minimum energy needed to remove the electron from the metal? Minimum energy कितनी होगी? यानी कि आपसे पूछा है work function क्या होगा? Same सवाल भी किया था ना? कि जो energy दी गई है उसमें से कुछ energy work function में जाएगी, बच्चे कुछ kinetic energy में जाएगी। इसने बोला kinetic energy given है पहले से, per mole के हिसाब से given है, 1.68 10^5 joule per mole। और आपसे पूछा कि वर्क फंक्शन क्या रहेगा, और आपके पास 300 नैनोमीटर के हिसाब से आपको एनर्जी दी गई है। तो अब देखो ध्यान से, आप पहले आप क्या करो, आप टोटल एनर्जी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, इसको माइनस कर दो कि वर्क फंक्शन आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन भाई, ये निकाल लोगे नैनोमीटर के हिसाब से, वेवलेंथ पता है, अगर वेवलेंथ पता है तो एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पहले से पता है, जस्ट माइनस कर दीजिएगा वर्क फंक्शन आ जाएगा, वही पूछा गया आपसे, चलो करके देखें, ठीक है सर। पर ये ऑप्शन गिवन है बेटा जूल पर मोल में, तो आपको ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर यूज करना पड़ेगा एनर्जी निकालते वक्त, बिकॉज एक मोल फोटोन की एनर्जी चाहिए आपको, ना कि एक फोटोन की। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एन ए टाइम्स एच सी बाय लैम्डा, बिकॉज ये जो एनर्जी गिवन है ये एक मोल फोटोन की गिवन है, तो एक मोल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाई बाय वन मोल, तो तब ये पर मोल में आंसर आएगा, जूल पर मोल में, हाँ सर। तो एन ए तो आप पुट कर देंगे, एच की वैल्यू पता है, सी पता है, लैम्डा को नैनोमीटर में हटा के मीटर में कर दीजिए, ये आ गया आपके पास जूल एनर्जी, ये निकाल लिया मैंने,
ये आपको गिवन है, ये निकालते ही ये गिवन है, माइनस कर दीजिए डब्ल्यू आ जाएगा, कर लोगे। और करके बेटा कमेंट में बता भी दीजिएगा कि सर किया था ईमानदारी से, आंसर ये आ गया, क्योंकि बेटा आप कुछ बचा नहीं, अदरवाइज मैं पेन घिसूँ, आपने कर भी लोगे बच्चों, इतनी मेहनत मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ। लिस्ट वन में क्वांटम नंबर्स हैं, इसमें ऑर्बिटल गिवन अपने पास, एन बराबर टू एल बराबर वन, तो टू पी हो जाएगा सर, ये थ्री डी हो जाएगा सर, ये थ्री एस हो जाएगा सर, ये टू एस हो जाएगा, खत्म बात। एल मतलब एल जीरो मतलब एस, एल टू मतलब डी, एल वन मतलब पी, खत्म क्वेश्चन। बड़ा आसान सवाल है सर ये तो। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब 2023 वाले क्वेश्चन इसमें नहीं डाले मैंने, 24 के भी तो इस साल पेपर हुआ है, उसको आप वहां से रेफर कर सकते हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली उसको हम अलग से भी करवा सकते हैं, पर एटलीस्ट आप, मेरा ये मानना है कि आप 15 साल के बेटा आप पी वैल्यू करके बैठिए, अगर 15 ईयर्स के अगर आप पी वैल्यू करके बैठेंगे बच्चों तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, देन केमिकल बॉन्डिंग एंड देन सो ऑन, ठीक है। नंबरिंग सेम रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नंबर 67 ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम पे। दो टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ट्राई करो कि हर क्वेश्चन आपसे बने, नहीं तो आप इसको देखें अच्छे तरीके से बेटा, सोल्यूशन करें, और बारी बारी बच्चा आप हर चैप्टर के कम से कम दो दो बार प्रीवियस क्वेश्चन आपके करे होने चाहिए। आप किसी बुकलेट के पीछे भागते हैं, किसी बुक के पीछे भागते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। आप टॉपिक पढ़ा कहीं से पढ़ते हो बेटा, टॉपिक आप मुझसे पढ़ा कहीं से पढ़ा, टॉपिक पढ़ लिया आपने, गो फॉर पी वाई क्यूज। टॉपिक पढ़ने के बाद, क्लास का क्वेश्चन करने के बाद गो फॉर पी वाई क्यूज, सारी पी वाई क्यूज एक साथ बैठ के खत्म कर दो। डाउट आएगा वीडियो आपके पास अवेलेबल है नीट विद एप पे, इस यूट्यूब चैनल पे आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आया था, मैंने देख लिया, काम खत्म हो गया, और टॉपिक ऑफ टॉपिक आपके चैप्टर में क्लैरिटी आती चली जाएगी बच्चा। और ये काम आप 6 महीने 7 महीने 1 साल करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, मिलते नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।